साल 1945, 6 अगस्त, रात के 2:45 यूएस एयरक्राफ्ट B-29 बॉम्बर विमान टिनियन आइलैंड से टेक ऑफ करते हैं। इस मिशन को कहा जाता है डिलीवरिंग दी फैट बॉय। फ्लाइट में 11 क्रू मेंबर है जिन्हें लीड किया जा रहा है कॉर्नेल पोल के द्वारा, जो बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट है और वॉर वेटरन भी है। एक्चुअली ये प्लेन उड़ान भर के हिरोशिमा जापान के डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं। सब कुछ नॉर्मल था दोस्तों, लेकिन उड़ान भरने के करीब 5 घंटे बाद हिरोशिमा पर रडार में कुछ विमान देखने को मिलता है। यानी जापानीज को लगता है कि उस विमान एक्चुअली में उनके तरफ आ रही है, इसलिए अलर्ट जारी किया जाता है। लेकिन कुछ थोड़ी ही देर बाद आकाश में एक चमक दिखाई देते हैं, फिर हवा का एक बड़ा झोंका के साथ शहर के चारों ओर कोई मील तक अंधेरा छा जाता है। बहुत सारी इमारत गिरने की आवाज़ और लोगों की रोने की आवाज़ सुनाई देते हैं, क्योंकि सुबह 8:15 पर दोस्तों ये एटॉमिक बम हिरोशिमा के ऊपर फटा था। और आज भी ये खौफनाक कहानी अगर हम सुनते हैं तो हम खुद ही नहीं बोल सकते हैं कि उन लोगों का क्या हाल हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको आप VR यूज करके हकीकत में देख सकते हैं। Virtual reality is a completely simulated environment in which users may interact with digital. A working experimental device using holographic displays that can already play PC VR experiences. Apple mixed reality headsets are hitting the market very soon. And we will have a few reasons why to believe. VR को एक्चुअली में हम अग्रदूत कहकर बुला सकते हैं, एक ऐसी डिवाइस जो आपको कोई अनोखा दुनिया में आगे भी से ले जा सकते हैं। अगर हम और VR के अंदर घुस जाए, यानी जिसके द्वारा आपके लिए इल्यूजन्स पैदा किया जाता है, मोर्टन हेलिक ने एक डिवाइस इन्वेंट किया था सेंसोरमा बोलकर साल 1957 में, और ये पहली बार था जो व्यूअर्स को एक अजीब एहसास दिया करते थे। इस डिवाइस के जरिए व्यूअर्स को स्टिमुलेट किया जाता था, उन्हें सेंसेस और टच का एक्सपीरियंस दिया जाने की कोशिश की गई थी, और स्मेल्स के द्वारा एक असली एक्सपीरियंस दिया जाने की कोशिश की गई थी। यहाँ से शुरू होती है इनकी हिस्टोरी, और आने वाले सदियों में कई नाम से जाना गया है इसको। दी हेडसाइट, दी स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, सरोगेट ट्रेवल एक्सपीरियंस, ये ऐसी नाम था जो 60s और 70s में इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। लेकिन जो फालसू रियलिटी नाम था, इसको एक्चुअली में सिर्फ 1987 से ही इस्तेमाल किया गया। हालांकि और भी बहुत सारी फील्ड है जहां पर अभी तक इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। नासा में एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ किया, कई सारी मूवी बनाया गया। कुछ मूवी के बारे में बात करें तो साल 2018 की रेडी प्लेयर 1 मूवी, जो फुल्ली VR के ऊपर बेस्ड एक मूवी था। मूवी पर रिपोर्ट किया गया था कि एक लड़का था जो एक्चुअली में वर्चुअल वर्ल्ड में रहता था, क्योंकि दुनिया जो है पूरा बिखर चुका था। लेकिन आगे दिखने को मिलता है कि सब लोग कुछ पाने के लिए कॉम्पीट करते हैं, तभी यह वर्चुअल दुनिया रहेगा। एक्चुअली में दोस्तों VR के थ्रू क्या पॉसिबल हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में एंशियंट प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ लोग सोचते हैं कि व्हेल के साथ स्विम कर सकते हो, कुछ लोग कहते हैं कि मून पर वॉक कर सकते हो। लेकिन हम फोकस करते हैं क्या पॉसिबल है सुनने में। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है पहली वाली टाइप के बारे में, यानी नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी के आधार पर। बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक VR हेडसेट दिया जाता है। जब आमतौर पर लोग नॉन इमर्सिव VR हेडसेट का इस्तेमाल करते हैं, उनको वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ ही अपना रियल वर्ल्ड को भी खुद कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली में आप VR वर्ल्ड में घुस जाते हो, लेकिन टच, स्मेल, टेस्ट, इन सभी का कोई फील नहीं होती है। अभी तक मार्केट पर बहुत सारा गेमिंग कंसोल डिवाइस इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया है। ऐसे अगर हम दूसरा टाइप फुल्ली इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी के ऊपर बात करें, तो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर बहुत सारा काम हुआ है, और आने वाले सदियों में आप इसको पूरी तरह से उपयोग कर सकते हो। कहा गया है कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, आपको टच, स्मेल्स, टेस्ट, इन सभी का एक्सपीरियंस होगा। इसी वजह से रियल वर्ल्ड जैसा फील होता है। फुल्ली इमर्सिव रियलिटी यानी वर्चुअल वर्ल्ड, जहाँ पर आपको एक असली वर्चुअल दुनिया दिखाया जाएगा, जहाँ पर सब कुछ असली होगा। मान लो कि सही में आप मेटावर्स में घूम रहे हो, पार्टी कर रहे हो, लोगों के साथ बात कर रहे हो। आमतौर पर अभी तक इसका यूजेस गेमिंग, मेडिकल, एंटरटेनमेंट, मिलिट्री, ऐसे ही कुछ फील्ड में हुआ है। तीसरी टाइप है सेमी इमर्सिव VR, यानी नॉन इमर्सिव VR और फुल्ली इमर्सिव VR दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। अगर आप देखोगे तो हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले, पावरफुल कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इन्हीं सारी फील्ड में इसका यूजेस देखने को मिलता है। अच्छा चलो, मान लिया इन सभी को VR वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है। इसका जवाब है दोस्तों Oculus Rift, HTC Vive, Sony PlayStation VR जैसे डिवाइस को यूज़ किया जाता है VR वर्ल्ड में जाने के लिए। आप मैंने बहुत बता दिया VR के पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में, इस वीडियो में आपको नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में भी बता देना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यह सोने की अंडा है। इसका कई प्रॉब्लम्स भी है जो दिखने को मिलता है। कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो आई स्ट्रेन, हेडेसी, नोसिया, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स होती है जब आप इन डिवाइस को यूज़ करते हो। इसका पीछे रीज़न ये है कि आप बहुत टाइम तक VR वर्ल्ड में रहते हो, साथ ही रियल वर्ल्ड से आपका कोई कनेक्शन नहीं रहता है।
यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है दोस्तों, VR का फ्यूचर क्या होगा? नीचे कमेंट पर लिख कर बताइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।